आज हमने नू में ये नागरिक सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि पिछले दिनों नू के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने यहाँ का जो सांप्रदायिक सौहार्द है, अमन है, भाईचारा है, उसको बिगाड़ने की कोशिशें की हैं। ऐसा है, ये बहुत आज एक ऐतिहासिक यहाँ पर सभा हो रही है, नागरिकों की सभा। मतलब कि जितने लोग यहाँ हैं सब भारत के नागरिक हैं और सबको संविधान में जो भी अधिकार प्राप्त है वो सबको बराबर से हासिल होने चाहिए। ये हमारा यहाँ पर नारा है और सबको न्याय भी बराबर से मिलना चाहिए। 16 मई को यानू में आसिफ की हत्या हुई जो खेड़ा खलीलपुर गांव के रहने वाले थे और उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ा गया जो एक विशेष धर्म से, जाति से संबंधित थे। उसके बाद यहाँ पे 31 मई को एक बड़ी हिंदू महापंचायत का आयोजन हुआ जिसमें काफी ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए गए और ये सम्मेलन उन लोगों की अध्यक्षता में हुआ जो बीजेपी के बड़े प्रमुख कार्यकर्ता हैं और उनको बाद में इनाम के तौर पर मीडिया प्रवक्ता भी बनाया गया, सूरजपाल अम्मू जो करणी सेना के भी अध्यक्ष हैं। और उसके अलावा कई लोग उस सम्मेलन में शामिल थे जिसमें फरीदाबाद में जुनैद की हत्या करने वाले नरेश कुमार भी शामिल थे। अभी जो हाल में 2-3 घटनाएं यहाँ पर घटी हैं, एक तो एक लड़का आसिफ यहाँ मारा गया और उसको मारने वाले लोग गुंडे थे, गुंडागर्दी के लिए मशहूर थे, कोई ऐसा सांप्रदायिक खास उनका एजेंडा नहीं था। लेकिन उसकी मौत के बाद जो गिरफ्तार भी हुए और जो नामजद थे वो भी गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद उस पूरे मामले का सांप्रदायिकीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके संघ परिवार के लोग इन्होंने यहाँ पर एक इंद्री गाँव में एक हिंदू महापंचायत का आयोजन किया और उसमें उन्होंने ये नारा दिया कि पहली बात तो ये कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो निर्दोष है और इसके साथ ही साथ इस तरह के मुसलमानों को मारना भी कोई अपराध नहीं, क्योंकि ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, इनको मारना सही है। और जो ये बातें बोल रहा था जो आयोजक था वो अमू, वो आज हरियाणा की सरकार का पंजीकृत प्रवक्ता है और वो इस तरह के भाषण दे रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। उसी पंचायत में जो जुनैद मारे गए थे ट्रेन में, उसका मुख्य आरोपी, उस हत्या का मुख्य आरोपी भी वहां पर मौजूद था, भाषण देता है। आज ये कोई सांप्रदायिक मामला नहीं था, ये तो एक हमारे गांव में जो क्रिमिनल आदमी गुंडे किस्म के, इन लोगों ने ये सोहना मेडिकल के पे दवाई लेने के लिए गया था, जब वहां से घर के लिए वापसी आ रहा था तो सोहना से उसी साइड को इन्होंने घेर के, क्या काफ़ी लोग थे वैसे, ये बता दें 10-15 तो गांव के ही है, बाहर के है, इधर उधर के, कहां कहां की गैंग है, तो 30-35-40 आदमी इकट्ठे हो गए थे उस टाइम घेर करके। आसिफ के दो भाई थे, एक तो राशिद था, उसको तो बहुत अधफरे में मरा समझ के छोड़ दिया और आसिफ को वहां से गाड़ी में पकड़ के ले गए और उसको मर्डर कर दिया। देखिए, सारे मोर्चों पर सरकार विफल रही है, सारे मोर्चों पर। अब इन सारे मोर्चों पर विफलता को छुपाने के लिए कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए, तो उस बहाने के लिए अब वो अपने आजमाए हुए हथकंडे को इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा खालिस्तानी आ गए हैं, फिर उन्होंने कहा पाकिस्तानी आ गए हैं, ये सब चला नहीं उनका, तो अब वो लोकल लेवल पर कुछ क्लैशेज को, जो आमतौर से कानून व्यवस्था का मामला होते हैं, उनको सांप्रदायिक तनाव का जरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हुआ, आसिफ नाम के नौजवान की हत्या होती है, वो हत्या एक कानून व्यवस्था का मामला है और हत्यारे पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अचानक उन हत्यारों का चूंकि एक खास धर्म है इसलिए उसके नाम पर एक पंचायत बुलाई जाती है और उस उन हत्यारों की हिमायत में एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश की जाती है मेवात जैसे संवेदनशील इलाके में, जहाँ पर परंपरा रही है कि कभी यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर टकराव नहीं हुए। यहाँ के लोग हमेशा आज़ादी के आंदोलन में भी लड़े हैं, जहाँ पर एकजुटता की एक परंपरा रही है, वहाँ पर वो एक प्रयोग करना चाहते हैं। हरियाणा में आंदोलन को कुचलने के लिए उनके पास कोई और रास्ते नहीं मिले, तो अब वो इस तरीके से लोगों में आपस में टकराव करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये सांप्रदायिक मामला नहीं है, इस आधार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए,
अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, जो मारा गया है नौजवान उसको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो इसको ध्रुवीकरण करने की पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। उसके बाद से चार जो आरोपी थे उनको दबाव में आके पुलिस ने छोड़ दिया, और उसके बाद से लगातार यहाँ का जो भाईचारा है वो स्टेक पे है। जिस एमएलए ने, विधायक ने जा करके गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों पर हमला किया, गालियां दी और पूरे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, वो भी वहां पर मौजूद था, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि संघ परिवार का एजेंडा क्या है। सांप्रदायिकता को आगे बढ़ा करके वो एकता को ही नहीं तोड़ना चाहते हैं, वो किसान आंदोलन को भी तोड़ना चाहते हैं। इस सरकार को जो सबसे बड़ी आज चुनौती का सामना करना पड़ रहा है उसको समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे ऐसी घटना के तो पूरे एरिया को मालूम है। अब हमें जो हम चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन से, जो कि आजकल हत्यारे बहुत खुले डोल रहे हैं, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो लोग इतने खुले रहेंगे तो हमें बहुत डर का माहौल है, कहीं और हत्या ना करें गांव में। तो इस वजह से हम पुलिस से मांग करते हैं कि इन आरोपियों को, जितने भी आरोपी हैं, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जेल के अंदर पहुंचाया जाए। इसके अलावा पुनाना इलाके के जमालगढ़ गांव में जुनैद की पुलिस कर्मियों ने अपनी कस्टडी में इतनी ज़्यादा पिटाई की कि बाद में वो मर गया, और उसके बाद आक्रोश में आके जब लोगों ने प्रदर्शन किए तो वहां पे पूरा जो एक जीप थी पुलिस की उसको किसी ने आग लगा दी, और उसके बाद पूरा गांव के काफ़ी लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई। हमने उस गाँव का भी दौरा किया और हमने ये देखा कि गाँव में 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, आदमी हैं, पुरुष हैं, वो गांव में नहीं है, इतना ज्यादा दहशत का माहौल यहां पे है। तो इसको देखते हुए हम तमाम लोग जो किसान आंदोलन के समर्थक हैं, जो संविधान के समर्थक हैं, वो समझ रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ना और उनकी सांप्रदायिक साजिशों को नाकाम करना, ये आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और बहुत अच्छी बात है कि आज 4-5 दिन से प्रशासन भी कह रहा है कि इसको हम नहीं होने देंगे, नागरिक सभा को, और घूम घूम करके संघ परिवार के लोग भी घरों में घुस घुस करके मना कर रहे लोगों के, मत जाओ, गिरफ्तार हो जाओगे, मारे जाओगे। इसके बावजूद तमाम तरह के लोग यहाँ पर आए हैं, महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, ये मिड डे वर्कर्स है, आशा वर्कर्स हैं, मेवात की महिलाएं भी बहुत सारी यहाँ आई हैं, यहाँ पर तमाम बिरादरियों के लोग आए हैं, सरकारी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी के भी लोग हैं, और BK जो हमारे किसान यूनियन के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। तो ये आज एक शुरुआत है कि हमको भी अब चुप नहीं रहना है। जो आज हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का ये मतलब है कि जैसे कि BJP गवर्नमेंट ने पूरे देश में हिंदू मुस्लिम करके पूरे देश का जो आपसी भाईचारा है उसको डिस्टर्ब कर रखा है, उस भाईचारे को उसी तरीके से, जिस तरीके से सदियों से चला आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसी तरीके से ये चलता रहे और जो हमारे देश का भाईचारा है वो हमेशा बना रहे। मैं आपको बता दूं, लगातार 2016, 17, 18 में जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है उसने मेवात को हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं करना चाहती, इवन दे वांट टू डिस्टर्ब द कम्युनल हार्मनी ऑफ आर रीजन। तो ये जो राज में जो पार्टी बैठी है आज के समय में, उसकी कोशिश ये है कि हमारा जो भाईचारा है मेवात के अंदर, सदियों से जो लोग मिलजुल के रहते आए हैं उनको बांटे, और जो असली जो हमारे मुद्दे हैं, यहाँ के पानी का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, वो मुद्दे ना बने असल में, और लोग आपस में लड़ते रहें, भिड़ते रहें, और ये जो राजनेता है वो अपनी रोटियां सेकते रहें। प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो आरोपी पकड़े हुए हैं उसमें से भी 4 आरोपी जो कि घर भेज दिए हैं। हमें तो कुछ उम्मीद नहीं लग रही कि प्रशासन जल्दी से जल्दी कैसे नहीं अरेस्ट कर रही। गांव में इतने लंबे जो अपराधी घूमते हैं इधर उधर, प्रशासन के तो बहुत लंबे हाथ होते हैं, प्रशासन चाहे तो 24 घंटे में अरेस्ट कर सकती है,
लेकिन प्रशासन ने पता नहीं क्यों किस दबाव में उनको छोड़ रखा है और वो खुले घूम रहे हैं। हमें तो अब भी ये डर लग रहा है कि कहीं कोई और किसी आदमी के साथ वारदात ना हो जाए। इसको लेके कि इसके खिलाफ लोगों के अंदर ये जो आक्रोश है उसको आवाज देने के लिए आज हमने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। हमारा जो ये भाईचारा है ये बना रहे, साथ की साथ जो आरोपी हैं इन केसेस के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए और जो अपराधी हैं उनको की सजाएं सुनिश्चित हो और पीड़ित परिवारों को न्याय मिले, ये हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है। इनका जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा है उसको हमें नाकाम करने के लिए आना है, एकजुट होना है, लोगों को इकट्ठा करना है और इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। ये तभी हो सकता है जब उनकी प्रचार के शिकार लोग भी समझेंगे कि हमारी नौकरी को ये छीन रहे हैं, हमारे भाईचारे को ये छीन रहे हैं, महंगाई को ये बढ़ा रहे हैं और किसान आंदोलन को भी ये पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नागरिक सम्मेलन इस बात के लिए कि हम उनके जाल में नहीं फंसेंगे, हम कानून व्यवस्था के मामले को कानून व्यवस्था का मामला मानेंगे, हत्यारों को सजा दिए जाने की मांग करेंगे। एक ध्रुवीकरण की कोशिश का जवाब दूसरा ध्रुवीकरण नहीं हो सकता, ये यहाँ के सारे संगठनों की राय है। ये हमारा फर्ज है कि लोगों के सामने इस पैगाम को लेकर के हम जाएं और उनको एक करें और उनके सामने सीधा सीधा सवाल रखें कि आप क्या चाहते हो, आप मनुवाद चाहते हो कि संविधान चाहते हो। ये सरकार मनुवाद लादना चाहती है, संविधान को समाप्त करना चाहती है, तो जो लोग संविधान और अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं उनको संविधान के पक्ष में खड़ा होना होगा और मनुवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना होगा। पंचायत के पहले प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया और बहुत अच्छा काम कर रही थी प्रशासन, हमें प्रशासन से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पंचायत होने के बाद में पता न प्रशासन दबाव में है या उन लोगों को बढ़ावा दे रही है, उसके बाद में कार्रवाई कम होगी। जी अभी आप लोगों की क्या मांग हो रही सम्मेलन में आए हैं, सम्मेलन से आपको क्या लग रहा है? हम सम्मेलन में इसलिए आए हैं कि हम आसिफ की न्याय की आवाज उठाएं, मुलजिमों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और उनको जेलों के अंदर पकड़ा डाला जाए और हमें अमन चैन से रहने दिया जाए। यही तो अब लोगों के सामने भी बात आ रही है कि जो सरकार की आलोचना करता है, निंदा करता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको कभी भी बंद किया जा सकता है, उसको नजर बंद किया जा सकता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन जो सरकार के पक्ष में है वो चाहे हिंसा भड़काने वाले भाषण दें, वो चाहे हत्या के लिए लोगों को प्रेरित करें, वो कानून तोड़ करके पंचायत का आयोजन करें, उनके लिए सब कुछ माफ है। देश में जिस तरीके से भाईचारे को खराब किया जा रहा है तो ये देश को खत्म, ये महज भाईचारे को ही नहीं खत्म किया जा रहा है, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है, इस देश की जो आत्मा है, जो इस देश का ब्रदरहुड है, जो इस देश का भाईचारा है, अगर इसको ख़त्म कर दिया गया तो ये देश नहीं रहेगा। और आरएसएस की जो 1925 से कंटिन्यू ये कोशिशें रही हैं कि इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में, ये बात तो अखंड भारत की करते हैं ये लोग, लेकिन ये खंड खंड इस देश को करना चाहते हैं। आज इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है, बेरोजगारी इतनी अपने उस पे पीक पे है, लेकिन इन लोगों का ध्यान अब भी क्या है कि डिवाइड द मुस्लिम्स एंड हिंदूज बाय डिवाइडिंग द पॉलिसीज, बाय इंप्लीमेंटिंग द डिवाइडिंग पॉलिसीज, बट दे डू नॉट वांट टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री आवर रीजन। और अब नया मामला आया है लोनी वाला, उसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लोनी के वीडियो को तो किसने नहीं शेयर किया, सब ने शेयर किया, लेकिन आज वहां की पुलिस चुन चुन करके कुछ लोगों के खिलाफ एक मुकदमा कायम कर रहा है। और जो ट्विटर आज तक संघ परिवार को ही इतनी मदद पहुंचा रहा था, उस ट्विटर पे भी वो वीडियो दिखाया गया तो ट्विटर के भी हेड को बुलाया जा रहा है। मतलब एक डराया जा रहा है लोगों को कि देखो हम ट्विटर से भी नहीं डरते, हम ट्विटर को भी कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। कि मेवात तो वो इलाका है कि इसने मुगलों से लड़ाई लड़ी है इस देश की आन बान शान और इस देश के भाईचारे को बनाने के लिए, इसलिए इस देश के भाईचारों को बार बार ये हमारी रिक्वेस्ट हैं, ये अम्मू सूरजपाल अम्मू जैसे लोग आरएसएस के एजेंट्स हैं,
और इनके इनके पीछे एक एक पॉलिटिकल मशीनरी काम कर रही है जिनका, और इनको सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई है कि किसी ना किसी तरीके से भड़काऊ भाषण दो, हम तुम्हारे साथ हैं और हिंदू मुस्लिम करिए और हम सत्ता पे बैठे रहेंगे। लेकिन ये अब कोई मानने वाला नहीं है। सरकार के खिलाफ आवाजें किसान आंदोलन से उठ रही हैं, अयोध्या से उठ रही हैं, और भी ज्यादा तेजी के साथ उठेंगी। और संविधान को बचाने की लड़ाई, अधिकारों को बचाने की लड़ाई और इस सरकार के खिलाफ लड़ाई जोर पकड़ेगी। जिंदाबाद 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 जि